नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सनी सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं A9 Pro की। तो A9 Pro मैंने रिव्यू आपको दिखा दिया है, मैंने उधर रिलायंस डिजिटल के स्टोर में ही मैंने वो बॉक्स खोल दिया था। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर ऐसे कुछ आया था इनमें, जिसमें ईयरफोन आया था और ये ईयरफोन यहाँ पे था, ये चार्जर है और साथ में आया है ये केबल, डाटा केबल, ये मैनुअल गाइड्स। तो मैनुअल गाइड्स जो आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, मैं मैनुअल गाइड पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इतना। ये इसका बिल है फ़ोन का, मैं लेके आया हूँ कल इसको, 32,500 में मैंने इसको परचेज किया रिलायंस डिजिटल से। तो उसका ये बिल है, आप देख सकते हैं कि बिल ये है। A9 Pro का फ़ोन, मैंने इस पर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया है प्रोटेक्शन के लिए, देखिए। लेकिन ये देखिए यहाँ से कर्व आ रहा है, तो ये थोड़ा साइड से कर्व है फ़ोन, इसलिए ये थोड़ा मैं आपको ये कवर उतार के दिखा देता हूँ फ़ोन का। मैंने इसको पहले सिक्योरिटी रख दी है। ग्लास अच्छा ग्लॉसी फिनिश है, ग्लास है इधर, ये गोरिल्ला ग्लास 4 है। साइड में अच्छा सा प्रीमियम लुक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं वो दिखा देता हूँ फोकस करके, ये देखिए ये है अपना स्पीकर, ये है अपना माइक, ये चार्जिंग स्लॉट और ये 3.5 mm जैक, ये सब नीचे की साइड दे रखे हैं। ये अपना मैंने परचेस किया, इसके साथ ये ईयरफोन आया है, ये प्लग्स आए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे वाले इसके साथ, तो इसको मैं साइड में रखूँगा। ये इसके साथ चार्जर आया है, इसका चार्जर है ये, आप देख सकते हैं, और 5 ampere का ये चार्जर आया इसके साथ, और ये फास्ट चार्जर भी दे रखा है इसके लिए। जियो की सिम इसके साथ मुझे फ्री मिली है, तो जियो की सिम भी उन्होंने लगा दी इसके अंदर, इस फ़ोन के अंदर। चलिए मैं इस फ़ोन को ऑन करके बताता हूँ आपको, ऐसा कुछ दिखता है ये फ़ोन, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं 4G नेट चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव टच है। और इसके मैं आपको फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, तो इसके अंदर अपने 6 इंच की स्क्रीन है, लंबी बड़ी स्क्रीन है 6 इंच की, और इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा, 1.9 mp का बैक कैमरा मिलता है, और फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, 1.9 mp का, और काफ़ी अच्छा लुक है इस फ़ोन का। यहाँ आपको मेटलिक बटन दे रखा है, अच्छे काफ़ी अच्छे बटन हैं ये, और यहाँ पर भी आपको मेटलिक बटन दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन से, स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ मैं, ऊपर दे रखा आपको मेमोरी कार्ड के लिए, आप इधर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये फुल ड्यूअल सिम फोन है, इसमें ऐसा नहीं हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आप एक सिम लगा सकते हो, एक यहाँ पे दो ये इसके लिए है, और इस साइड फोन के इस साइड ये आपको दे रखा है ये देखिए, मैंने यहाँ 2 सिम डाल रखी है, तो इसके अंदर 2 सिम डाल सकते हैं आप, एक मेमोरी कार्ड अलग से डाल सकते हैं, और मिरर है इधर, मोल्ड मिरर है, अच्छा लुक दे रहा है काफ़ी, जैसे कि देख सकते हैं आपने, मैंने इधर ग्लास लगवाया है, तो ये ग्लास का देखिए ये आ नहीं रहा है, देखिए। तो ग्लास आप लगवा सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, बट इसमें ग्लास की ज़रूरत नहीं है, इसमें गोरिल्ला ग्लास 4 दे रखा है, और देख सकते हैं पीछे का मैं आपको मॉडल वगैरह दिखा देता हूँ, इसके पीछे का मॉडल वगैरह है, और काफ़ी अच्छा ही फ़ोन है। आपको मैं इसके अंदर के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, और फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दे रखा है, फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का दे रखा है, 4 GB की इसके अंदर रैम दे रखी है, लियोन बैटरी है इसके अंदर। रिव्यूज़ देखे जाए तो इस फ़ोन के अच्छे रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। इसके अंदर बाइक मोड, बाइक मोड भी मिलता है आपको, और एमरजेंसी मोड भी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़े स्पेसिफिकेशन के बारे में इसके, तो इसके अंदर GSM 4G और लाइट और HSPV सपोर्टेड है, 4G 3G 2G सब सपोर्टेड है इसके अंदर। और इसके अंदर ये मैं 2016 में रिलीज़ हुआ है ये फ़ोन, अब अवेलेबल है इंडिया में, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।
6 इंच की इसके अंदर स्क्रीन दे रखी है। 210 ग्राम इसका वेट है फोन का। और गोरिल्ला ग्लास 4 दे रखा है जो कि ब्लैक पैनल है इसके अंदर। सिम इसके अंदर नैनो सिम डलेगी, माइक्रो सिम नहीं डलेगी। और ये डुअल सिम फोन है, इस टोटल डुअल सिम फोन है। ऊपर एक अलग से आप वो मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और 2 सिम यहाँ पे डाल सकते हैं। और मल्टी टच है इसके अंदर, सपोर्टेबल है। गोरिल्ला ग्लास 4 दे रखा है। एंड्रॉयड 6.0.1 है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैशमेलो आ गया, ये इसका गेम दे रखा है मैशमेलो का। देख सकते हैं कि मैं गेम खेल रहा हूँ, आउट हो गया। और बता देता हूँ मैं आप इसको, ऑक्टा कोर इसके अंदर प्रोसेसर है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का, कॉर्टेक्स A72 एंड 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर लगा हुआ है। GPU इसके अंदर एड्रॉन 510 है। और माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर 256 GB तक अप टू आप लगा सकते हैं। 4 GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है, 4 GB इसके अंदर रैम। इसके अंदर आपको OIS कैमरा मिलता है बैक का, और 4G है, 64-bit का प्रोसेसर है इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके अंदर फेस डिटेक्शन, प्रेस्मा HDR और वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आप 1080p की 30 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैटरी लाइफ इसकी बताई गई है अप टू 33 आवर 3G के साथ। और म्यूजिक प्ले में इसका 109 आवर्स बताया गया है। वाइट, ब्लैक, गोल्ड इसके अंदर कलर अवेलेबल है, मैंने गोल्ड परचेस किया है। ब्राइटनेस सेंसर लगे हुए हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर सेंसर लगे हुए हैं, इधर ब्राइटनेस ऑटो एडजस्ट हो जाती है ब्राइटनेस। और काफ़ी अच्छी रैम, काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस रेंज में। इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी A9 Pro पर। थैंक यू दोस्तों ये मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के लिए मैं आपको टेक्निकल लाइन के बारे में बताता रहता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो रिव्यू की, तो इसे लाइक करना ना भूलें। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।